Okay, I would like to call Nivedita, uh, Nivedita Das. Uh, she's the senior VP group. Uh, can we please have you on stage? No. Come on, guys! itna thanda mahal kaise hai? No, thalia, or do I have to uh, get that energy back again and again? Please, please. Oh, acha. AC kassar hai. My God, so many tantrums today. Okay, I would like to call Dr. Nitin Mishra. He's the producer. Sir, can we have you on stage, please? Hi, Karam. I would say you're late or you're just on time. No, you're just on time. Please come. There we go. Uh, Nitinchi, can we have you on stage, please? Please. Okay, also. Uh I feel that um, you know when you enter a place, you can uh, definitely get the vibe of that place. Sometimes it's very negative, and uh, that is what I call fear. I mean, that actually scares me. So I don't know about supernatural, but while shooting Kalva, uh, that was a whole experience I already had in my life. You know? Okay. Anyone else? Anyone who believes, Nivedita ji? आई थिंक इंडियन सब कॉन्टेक्स में सुपर काफ़ी बिलीवेबल है क्योंकि हम लोग को बचपन से वो सिखाया गया है यू ना कि अंधेरे में डर लगता है मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ हिल स्कूल में तो हमें तो हमेशा वो खौफ रहता था कि डाक के पीछे कुछ है जहाँ पे सुसाइड हुआ है वहाँ पे कुछ है के तो, के पेड़ के नीचे मत जाओ एक्टली exactly, तो ये फोकलोर्स सक... जो थे वो इतने बिलीवेबल हो गए हैं कि जब आप देखते हैं वो बिलीवेबिलिटी वो वर्ल्ड में आपको लगता है कि सच है और आई थिंक राजीव ने काफ़ी अच्छा डिपिक्ट किया है क्वाइट लाइक द स्पेशल इफेक्ट्स एंड ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे से एडिट करा गया है एंड एक्टर्स ऑफ कोर्स हैव परफॉर्म सो वेल सो आई थिंक ये एक ऐसा जॉन है इनफैक्ट मैंने किया था एक शो कहीं किसी रोज uh, बहुत साल पहले और इतना ज़्यादा वो कल्ट हुआ था मुझे लगा नहीं था कि कभी वो मेरे क्योंकि सास और कहानी को बीट करेगा बट <laughs> अगर करा दैट मीन्स बिलीवेबिलिटी है लोग देखना चाहते हैं आई थिंक फियर एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप कभी भी वर्क कर सकते हो और लोग देखेंगे ही देखेंगे hmm. वेगू जी एनी थिंग यू वॉन्ट टू शेयर ऑन दिस मेरा तो काफ़ी मैं तो बहुत सुपरस्टिशियस हूँ और इन सब <laughs> चीज़ों को काफ़ी मानता भी हूँ और uh, देखा जाए तो हॉरर फिल्म्स जो होती हैं वो या वेब सीरीज़ जो हैं वो काफ़ी कम बनती हैं और शायद यही जब स्टोरी मुझे राजीव जी ने सुनाई तो मुझे बड़ा सुन के बड़ा लगा कि ये कुछ एक नया सब्जेक्ट है और कलवा जो है ये ऑलरेडी एक नाम है जो ये एक एक विश्वास या अंधविश्वास या जो भी आप कहेंगे इसको तो जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये उस पर तो उसी पॉइंट ऑफ़ व्यू से मुझे स्टोरी के पॉइंट ऑफ़ व्यू से भी कह लीजिए और क्योंकि मैंने जैसा बताया तो ये जो निवेता जी ने बोला कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे से मत गुजरो या इस तरीके का जो अंधेरे से डर वाली जो बात है वो कोर्स मुझे लगता है काफ़ी लोग इस पर बिलीव करते हैं और मैं तो करता ही हूँ विभू जी ऑल्सो अनसुनी और बागिन जैसे शोज जो तरंगी पे इतना अच्छा कर रहे हैं वोट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम कलवा नाउ ये पहला शो है हमारा हॉरर जो हमने इस पर हम हम डाल रहे हैं और नो डाउट काफ़ी हमें अच्छे आ, अभी जब हम लोगों ने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे इसको डाला तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया काफ़ी लोगों को बहुत ही अलग तरीके का एक सब्जेक्ट लिया जैसे हमने कोर्स बागिन और अनसुनी बहुत हट के शो हमने बनाए तो क्योंकि अतरंगी है तो हम लोग अतरंगी करते हैं तो ये तीसरा तरंगी है हम्म क्वाइट इंटरेस्टिंग है निवेदता जी आप मुझे uh, कलवा के बारे में थोड़ा और बताइए कंटेंट एंड कैसे शो की शुरुआत हुई आई थिंक बेस्ट पर्सन टू स्टार्ट विद इज राजीव एंड देन आई वुड वांट करम एंड तनेश एंड देन आल्सो राजीव जी आई वांट टू नो द मीनिंग ऑफ कलवा ये या सिर्फ एक नाम है या इसका कोई मीनिंग भी है सो uh, बेसिकली so uh, सिर्फ कलवा नहीं है एक्चुअली जो रियल uh, uh, नाम है इसका होता है कच्चा कलवा और ये एक रियल इंसिडेंट से जर्म हुआ था स्टोरी का बिकॉज मैं राजस्थान में ट्रैवल कर रहा था तो मेरे ड्राइवर ने बताया कि इस गांव में कच्चे कलवे का साया है देन आई ट्राई टू यू नो फाइंड अबाउट इट कि है क्या तो मुझे एक अच्छी पोटेंशियल स्टोरी दिखी और ये काफ़ी रियल इंसिडेंट्स है ये जो चाइल्ड गोस्ट होता है उसको कलवा बोलते हैं स्पेसिफिकली कच्चा कलवा तो ये एक खास करके राजस्थान वेस्टर्न यूपी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके केसेस पाए जाते हैं इट्स ट्रूली बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी यहाँ पे इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ इस स्टोरी को मैंने बहुत जगह पिच किया था तो बहुत समझ नहीं आई लोगों को बट <laughs> <फिर> सर के, <laughs> के पास मैं गया और मैंने बोला सर ये ना मैं बनाना चाहता हूँ उन्होंने बोला ठीक है सुनाओ एंड सर ने आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि फाइव मिनट्स के अंदर सर ने बोला था बनाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बैकिंग मिली और आज ये है सामने तो इट्स गुड नाइस फाइनली उनको कुछ अतरंगी मिला जो बनाना चाह रहे थे ओके मूविंग ऑन टू एक्टर्स आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा ऐसी फिल्म में काम करके हॉरर स्पेस एक्सप्लोर करना इज अ लिटिल लिटिल डिफिकल्ट आल्सो आल्सो स्कैरी हाउ डिफिकल्टैर योर एक्सपीरियंस well uh, to be very honest this is again my first time you know doing a horror like you know web show and knowledge uh, mm. and uh, when we were sitting for uh, the narration and everything uh, rajiv sir narration diya, that's the time when i figured out ka hai, like you know kalwa and um, obviously i was excited to be on board with these people and to work with them and uh, it, was, it was honestly पर्सनली हमें ऐसा लाइक ना वर्ल्ड शूटिंग ऐसा महसूस होता था कि ना कि थिंग्स ऐसी चीजें होती हैं लाइक टू बी वेरी ऑनच लाइक ना पर्सनली मैंने भी फील किया है लाइक इन माई रियल लाइफ हैल इंसिडेंट सो यू नो कमिंग ऑन बोर्ड एंड बीग अ पार्ट ऑफ दिसोरी सो आई थिंक सो इट वॉज लाइक आई एम री लिविंग माई चाइल्ड हुड लाइक ठीक है रियल लाइफ है लेकिन आई एम री लिविंग इट सो इट वॉज डेफिनेटली समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स फॉर मी I think uh, even for me, uh, first of all, Kalwa name itself was very catchy when I heard it for the first time. <laughs> but uh, the same thing happened with me Even uh, I mean, at the time of the narration when I sat with my director, Rajiv sir, the first question was, what's the meaning of Kalwa, as you asked. So he explained the same thing, that Kalwa means kacha kalwa, which is a child ghost, a category in ghost. And uh, I think uh, if we talk about supernatural again, uh, I never had any experiences. But as I said, while shooting Kalwa, especially the locations where we were shooting, it was in Lucknow, and the location itself had so many stories to tell. And uh, the people there—they—they they also told us a lot of stories which were real-based and uh, which were so true. एंड आई थिंक आई कुड फील द वाइब ऑफ कलवाइल्ड शूटिंग कलवाया ओके निवेदिता जी मुझे आपसे जाना है कि ऐसी फिल्म ऐसे कॉन्सेप्ट में कास्टिंग कितना इम्पोर्टेंट और कितना डिफिकल्ट होता है इनफैक्ट आप ये सवाल नहीं बोलती तो मेरा सबसे पहले यही बोलना था कि इसमें मैंने सबसे अच्छी चीज़ जो देखी थी ना वो थी इनकी ऑन सॉम्बल कास्ट होता क्या कि हम लोग एक दो सीन या कम सीन्स के लिए किसी को भी ले लेते हैं कि कर लेते हैं बट एक्चुअली बिलीवेबिलिटी उन्हीं से आती है जो इसमें जो तांत्रिक बने हैं जो वो फेयर इंस्टिल कर रहे हैं कि है कलवा मतलब दे वर सुपर एक्टर्स तो यू वांट टू सी दो गुड फेसेस यू नो सो आई हैव टू फेसिसम्प्रोमेंट नितिन जी एंड राजीव जी की उन्होंने उसमें नहीं कॉम्प्रोमाइज किया यूजली क्या होता है कि कॉन्टेंट में चलिए मेन पे करते हैं कॉन्सेंट्रेट और ये पर हॉर ऐसी चीज है कि उसमें एक डायलॉग वाला मतलब वो बच्चा देखिए वो इतना मतलब

जो भी सेवन सेंस प्रोडक्शंस में बनती है तो वी स्पेशली टेक केयर हमारे सर हैं डॉक्टर नितिन मिश्रा तो एक जो व्यू पॉइंट है वो कंपनी का है कि कास्टिंग टॉप टू बॉटम एकदम परफेक्शन के साथ हो तो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वाइल कास्टिंग और लोकेशंस भी जो हमको मिलती हैं इन एंड अराउंड लखनऊ मोस्टली वी कवर अ लॉट ऑफ उत्तर प्रदेश तो वो एक जो प्रोडक्शन uh, हाउस की तरफ से एक जो जाता है वो भी एक एफर्ट आपको ऑन स्क्रीन

दो तीन बल्कि चार प्रोजेक्ट्स हमने बनाए जिसमें राजीव जी डायरेक्टर भी हैं उसमें और ऑफ uh, कोर्स कास्ट ये नहीं है बट <laughs> uh, हाँ कुछ अलग शोज़ हैं इसी कंपनी के साथ हैं uh, मिश्रा जी के साथ सेवन सेंस प्रोडक्शंस और इसके अलावा भी कुछ हम लोग अलग तरीके के शोज़ ला रहे हैं और बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ हम लोग का अनाउंसमेंट होगा काफ़ी कुछ ला रहे हैं और बहुत डिफरेंट है बट ये सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि डायरेक्टर तो वही है और कास्ट दूसरी है <laughs> ये थोड़ा डायरेक्टर हाँ। 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 वही ले लिया तो कास्ट भी वो रखनी चाहिए लेकिन सर अतरंगी का ये तो अच्छा लगता है सुन के और देख के कि नाम भी थोड़ा अतरंगी है और उसमें शोज भी अतरंगी है ये बात तो बहुत अच्छी है

तो शो ऑफ कोर्स चैनल है तो कॉमर्शलाइजेशन तो होता ही है उसके अंदर हर चीज़ को सेट किया जाता है और ये देखा जाता है कि मैक्सिमम ऑडियंस उसके अंदर आए और कंटेंट देखे क्योंकि अभी क्या है कि ऑडियंस uh, का जो ड्यूरेशन uh, है उसका जो स्टिकिंग पॉइंट है कह लीजिए वो भी बहुत कम हो गया है जब से रील्स आई हैं तो आप जितनी जल्दी ऑडियंस को और जब तक आप कुछ डिफरेंट टाइप के आप कंटेंट उनको नहीं दिखाएंगे तो ऑडियंस आपके एप्लीकेशन पे या कंटेंट पे टिकेगी नहीं रुकेगी नहीं तो इसलिए कंटेंट बहुत सुने जाते हैं हमारे यहाँ हमारी पूरी टीम खास तौर से निवेदा जी इस पर काफ़ी वर्किंग करती हैं और फिर सौ चीज़ें सुनने के बाद मेरे पास दस चीज़ें आती हैं और दस सुनने के बाद वो चार ही रह जाती हैं क्योंकि उसका इतना फिल्टर होता है कि हमको हर चीज़ देखनी पड़ती है आ, आ, कि कॉमर्शियल एंगल से कितना ये आ, आगे चलेगा और कितना डिमांड में आएगा कितना ये वायरल होगा और कितना लोग इसको सीज़न टू इसका मांगेंगे मांगें, मांगेंगे तो कुछ शोज़ ऐसे हैं जिसके हमारे पास डिमांड लिटरली आई है कि हम उसके सीज़न टू भी लाएं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है Uh, जैसे आप सारे मीडिया भाई लोग जानते भी हैं कि इस इंडस्ट्री में और ख़ास तौर से ओ टी टी प्लेस में सस्टेन करना इवन और उसको आगे तक चलाना ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट एक बहुत बड़ी एक मुहिम है और एक बहुत बड़ा टारगेट है जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है तो 24 घंटे में 26 घंटे हमारी टीम को कम पड़ते हैं हमें लगता है कि रात भी क्यों बनाई गई है हम और हमें कुछ मिले तो हम कुछ ना कुछ और नया सोचें और कुछ नया डालें तो उसमें हम लगे रहते हैं कुछ ना कुछ ये नया करने के लिए नितिन सर इसका डिस्कशन जब राजू जी ने हमसे किया तो मुझे कुछ नया दिखा कि कलवा और कच्चा कलवा फिर हमने उसे गूगल पर सर्च किया तो एकदम नया सब्जेक्ट नई चीज़ नई कहानी जो अभी तक बनी नहीं थी इस पर तो विभू जी से हमने डिस्कस किया कि ये कैसी कहानी है और अच्छी कहानी है अच्छा लगता है कंटेंट अच्छा है जो अभी तक नहीं आया है तो बाकी तो क्रिएटिव तो विभू जी है ही वो समझ गए कुछ नई चीज़ है अच्छी तो फिर नरेशन हुआ उसी में इनके कुछ इनपुट थे वो दिया आपने और ये बन गई सर विभू सर और एक चीज़ आपसे जानना जो जो मीम्स जो आप लोग चला रहे हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जैसे अनसुनी का हमने देखा था जिस तरह के मीम्स चलाए गए थे तो सर वो किसका आइडिया था अगर उस बारे में कुछ आप बात करना चाहें अगर वो, वो प्रमोशनल कैंपेन के बारे में ये एक मार्केटिंग एक जॉइंट डिस्कशन होता है मतलब इसमें मैं किसी एक अपना किसी एक का नहीं बोलूँगा ज्वाइंट डिस्कशन होता है और उसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं तो उसी को देखते हुए हम लोग ये सारी चीज़ें डिसाइड uh, करते हैं कि मीम मार्केटिंग और रील uh, मार्केटिंग करें क्योंकि गूगल से तो और फेसबुक जो अब मार्केटिंग होती है वो तो होती है और क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे अभी इससे पहले बताया कि लोग ज़्यादातर स्टिक रील्स पे ज़्यादा हैं तो रील्स को देख करके लोग डाइवर्ट होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है ऑफ़कोर्स और मैं तो ये बात भी कहूँगा कि Uh, अभी किसी बहुत बड़े एक चैनल ने uh, इस चीज़ को अडॉप्ट किया है मैं नाम नहीं लूँगा उसका कि वो दस दिन बारह दिन पहले होर्डिंग लग जाती थी एक बहुत बड़ा ओ चैनल है और उसकी रिलीजिंग डेट आती थी कि स्ट्रीमिंग ऑन दैट डे या वॉट अभी मैंने जस्ट देखा है अभी एक उन्होंने एक शो अभी रिलीज़ किया है अब वो स्ट्रीमिंग नाव में आ गए क्योंकि हम अपनी जब भी मार्केटिंग करते हैं तो हम सेम डे जिस दिन रिलीज़ करते हैं हम उससे उसी दिन का हम अपनी होर्डिंग लगाते हैं ऑफकोर्स ट्रेलर्स दस बारह दिन पंद्रह दिन टीजर जरूर रहता है बट ये हमारी थोड़ा सा वो रहता है तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि रील मार्केटिंग के बाद एक रेवोल्यूशन भी आया है टू बी वेरी क्लियर पाकिस्तानी शोज़ रील मार्केटिंग और मीम मार्केटिंग स्टार्ट करा है अभी जस्ट और बिल्कुल सेम पैटर्न पे जैसे हमने किया है नॉट इवन मी कई और इंडियन बड़े चैनल्स ने भी स्टार्ट किया है तो इसका जरूर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और इफ़ेक्ट है और थोड़ा लोग देखते भी हैं समझते भी हैं क्या फर्क पड़ रहा है, है। राजू सर मैं आपसे जाना चाहूँगा आपने स्टोरी लिखी है मैं ये जानना चाहता हूँ कैरेक्टर तो आपने चुन लिए लेकिन इस तरह के जो फिल्म बनती है या वेब सीरीज बनती है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साउंड का होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या कुछ तैयारी है कि किस तरह का कुछ है कुछ हमारे को बताना चाहेंगे देखिए हॉरर जो एक जॉनर है उसमें ये चीज़ है कि बहुत सारे कहानी जो लिखी जाती है उसके बाद उसके बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे आपने साउंड बोला वैसे लाइटिंग भी है आपके कैमराज भी हैं वी एफ है जैसा निवी मैम ने भी बोला तो बहुत बारीकी से इसको एक तरीके से सबसे ज़्यादा इसके ऊपर क्रिएटिव कंट्रोल टेक्निकल टीम का यू you नो know, जो लोग बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे होते हैं उनका इस जॉनर में ज़्यादा एक इनपुट रहता है ज़्यादा एफ़र्ट्स रहते हैं तो हर चीज़ पे उतना ही इनफैक्ट इसका जो वी है जो ग्राफिक्स आपने देखे काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक बड़े बड़े स्टूडियोज के द्वारा किया गया बहुत ही हाई क्वालिटी वी है इसमें और लाइटिंग भी अगर आप देखेंगे बहुत डिटेल में इसके ऊपर काम किया गया और इस जॉनर में करना भी पड़ता है अदरवाइज यू नो एक रोमांटिक कॉमेडी हो या एक नॉर्मल एक फैमिली ड्रामा है तो उसमें कहानी और एक्टर्स uh, एक लिमिट तक उस कहानी को ऊपर लेके जा सकते हैं बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्टर्स तो ऑफकोर्स हमारे पास एक से एक बड़के हैं बट uh, उसमें जो ये टेक्निकल एंगल होता है वो एनहेंस करना ही पड़ता है ऐसे जॉनर में uh, मैम जानना चाहूँगा मैम आपने ये किरदार प्ले किया है जब हमने इसे देखा जब हमने कलुआ को देखा तो हम बहुत प्रभावित थे मतलब एक डर सा माहौल बना हमारे अंदर आपने पूरा कैरेक्टर प्ले किया है जब ये कैरेक्टर आपने प्ले किया क्या आपके अंदर उस तरह का विश्वास नहीं लगा कि बिल्ली रास्ता काट गए तो नहीं जाना है इस तरह का कुछ हुआ जी एक्चुअली uh, मैं ब्राह्मण परिवार से uh, बिलोंग करती हूँ तो ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं बढ़ना है तो uh, इस तरीके की uh, uh, जो स्टेटमेंट्स रही हैं वो तो बचपन से ही साथ रही हैं जहाँ तक बात है उसको बिलीव करने की जी बिल्कुल जब जैसे कि मैंने कहा जब मैं कलवा शूट कर रही थी तब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और जो फियर मैंने एक्सपीरियंस किया है मुझे लगता है कि आई स्टार्टेड बिलीविंग इट मोर कि ये होता है और उसके बाद अब ऐसा होता है कि जब भी मैं किसी शूटिंग के लिए आउटडोर लोकेशन जाती हूँ तो वहाँ की कहानी पहले पूछती हूँ कि यहाँ कोई हॉरर कहानी तो नहीं है क्योंकि जब हम कलवा शूट कर रहे थे तो बहुत सारी हॉरर कहानियाँ मैं सुन रही थी और बिल्कुल मुझे लगता है कि वाइब्स पर विश्वास तो हम सभी करते हैं और अच्छा बुरा उसका सेंस हम सबको ही होता है वेदर इट्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ सही हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है और मुझे लगता है जहाँ हॉन्टेड जैसी कोई चीज़ें होती हैं वहाँ ऑटोमेटिकली एक अलग तरीके का वातावरण होता है जब आप वहाँ एंटर करते हैं तो आपको वो समझ में आता है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है तो बिल्कुल विश्वास कलवा के बाद तो काफ़ी बड़ा है और अब कलवा आप सबके सामने आ रही है तो विश्वास बढ़ता ही जा रहा है करम आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो है टेलीविजन में काम किया

And at the top of that, if, you, if your director actually gives you the liberty to do whatsoever you feel like, as a character, bit, you know, it, within the like, you know, premises of your character. Just do whatever you feel like. So I think so... It's like when a lion's mouth is bleeding, it will run towards it again. So it's like, for an actor, if he does webbing once, he will run there again and again. So I think so, it's another like, you know, next level platform for all the actors. Vibhu sir, uh, the way this said, look... से एक बार पूछेगा वोमेन सेंट्रिक सब्जेक्ट्स और वोमन इम्पावरमेंट इशूज को लेकर जो सब्जेक्ट्स पे बनाए जा रहे हैं वो ओ टी टी प्लेटफॉर्म कितना बड़ा बून है खासकर ऐसे सब्जेक्ट पर देखा जाए तो हाँ ऑफकोर्स है, है ज़रूर उस पर लोग देखना चाहते हैं और वुमेन सेंट्रिक पे काफ़ी कुछ चीज़ें बन रही हैं बट क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो हमारा जो देश है वो थोड़ा सा आ, मेल फिगर को ज़्यादा तोज्जो देता है अभी वहीं डाकू हसीना आ जाए तो शायद वो पिक्चर एक बार को कम चले और वहीं डाकू भीमा सिंह आ जाए तो शायद एक बार को लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं तो ये एक थोड़ा सा अभी भी रूढ़ीवाद हमारे यहाँ है तो मैं उसको कहूँगा कि थोड़ा सा उसमें आ, 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 थोड़ा सा इस तरीके का चलता है लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा हमारी जो मित्र हैं एकता जी उन्होंने अभी एक शो बनाया है क्रू जो बहुत अच्छा आपके सामने काम किया है उसमें अगर देखा जाए तो वुमेन सेंट्रिक है और इससे पहले अभी एक हफ्ते पहले दस दिन पंद्रह दिन पहले एक मैंने एक सीरीज लॉन्च करी है वूमनिया तो उसमें भी पांच बड़ी एक्ट्रेसेस को ही लेकर के मैंने किया एंड इट्स डूइंग वेरी वेल मेरे पास इवन साउथ अफ्रीका के उसके राइट्स मांगने के भी डिमांड आई है तो आ, काम भी करता है और लोग अब उससे जागरूक भी हो रहे हैं और लोग उसको देखना भी पसंद करते हैं आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट विकी जी शाहजी प्रदीप जी आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हाउ इज इट Doing a horror शो uh, एक्चुअली मेरे पास थोड़ा हॉरर का एक्सपीरियंस था इसके पहले मैंने फिल्म की थी 1920 आई विल रिटर्न उसके अलावा टीवी में भी मैंने कुछ शोज किए थे तो इस सीरीज़ को करते वक्त क्या है जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं राइटर भी हैं तो मेरे लिए रोल थोड़ा नया था क्योंकि ये एक्चुअल में एक आदमी है दिल्ली के करोल बाग में सेठ जी नाम है उसका जो दिन में चाय बेचता है और रात को उसका इन सब चीज़ों पे पकड़ है तो मेरे लिए इसमें एक थोड़ा ही नयापन था और इंटरेस्टिंग भी था मेरे लिए थोड़ा सा तो अच्छा था मज़ेदार था मैंने हॉरर किया इसलिए मैं डरता नहीं हूँ लेकिन शूटिंग के दौरान वहाँ एक कुआँ था और करम सीन कर रहे थे वहाँ आग लग जाती है चारों तरफ हमारे तो वहाँ एक कुआँ था तो उस कुएँ में मुझे एक बार खौफ हुआ था देख के रात के वक्त वो मुझे भूला नहीं अभी भी याद आता है मुझे कभी कभी तो मैं डरा था एक बार वहाँ पर तो बट अच्छा था नहीं विक्की अच्छा। जी मैंने आपकी एक मूवी देखी थी जब मैं आपसे लखनऊ में मुलाकात हुई थी तो मैं आपको बहुत अच्छे वहां से वहाँ से मेरे को लगा मैं जानता नहीं था बाई नेम ऑफ कोर्स तो मुझे जब आ, मिश्रा जी ने बताया कि विक्की जी कर रहे हैं तो मैंने कहा अच्छा चलो, चलो चलो तो मिलाते हैं आपको याद नहीं होगा मैं आपसे लखनऊ टाइम मिला था तो आपकी एक पिक्चर आई थी इमरान हाशमी के साथ जिसमें आप एक कमरे में ऊपर बंद होते हैं और आप पानी

अघोरी और नितिन सर के साथ काम करना तो मेरा पहले से एक्सपीरियंस रहा है ये पांचवा प्रोजेक्ट है जो उन, जो उनके साथ मैंने किया है इससे पहले एक फिल्म थी शूद्र द राइजिंग फिर दूसरी एक प्रणाम एक मूवी थी एक और बगावत अभी आने वाली है फिर कलवा एक और सीरीज़ आने वाली है सुरख तो ये पांचवा प्रोजेक्ट है मेरा, मेरा इनके सर के साथ <coughs> तो जब मुझे कॉल आया इस कैरेक्टर के लिए कि एक तांत्रिक का कैरेक्टर है नितिन सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया और फिर राजीव सर से मिला मैं तो इन्होंने बताया कि एक सीरीज वी आर प्लानिंग टू मेकिंग ए सीरीज कलवा तो कलवा नाम सुन के मैं राजस्थान से हूं तो मैं तुरंत अवेयर हो गया कि कलवा मतलब कच्चा कलवा वैसा वाला क्योंकि राजस्थान में उस वो ये जब ही सर बता रहे थे कि पूरा नाम जो है वो कच्चा कलवा है मतलब कम एज में किसी बच्चे की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी आत्मा जो एक एक रूप में पैदा होती है उसको कच्चा कलवा कहते हैं और ऐसी कहानियां मैंने भी सुनी है बचपन में गांव में कि कच्चे में रात को गाय भैंस का दूध पी जाते हैं और बहुत सारी ऐसी अनोइंग चीज़ें करते हैं जो डराने वाली तो मेरे मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं थी टाइटल सुन के मैं समझ गया था कि कच्चा कल्बा ये है बट जब कैरेक्टर के बारे में सुना समझा तो उसमें बहुत ज़्यादा गेटअप था कि पूरे लंबे लंबे बाल दाढ़ी और काला पीला मुंह करना ये सब तो मैं थोड़ा सा उसके लिए सोचा बट कुछ कहने के लिए था नहीं नितिन सर को ना कर नहीं सकता था तो मैंने फाइनली मैंने कसर में करूँगा और लखनऊ पहुँच गए और कुछ पाँच छः दिन की शूटिंग थी मेरी थोड़ा सा टफ़ रहा मुश्किल रहा क्योंकि नाइट शूट था गर्मी का टाइम था बड़े बड़े बाल बिक लगा करके और उस, उस गेटअप में पूरा वो काला पीला होकर के काम करना लेकिन मेरे साथ साथ, साथ सभी लोग मेहनत कर रहे थे तो कभी ऐसा लगा नहीं कि चलो मैं अकेला ही इस तरह से कोई टफ काम कर रहा हूँ सभी कर रहे हैं कि राजीव सर भी वहाँ लगे हुए हैं नितिन सर भी रात को पूरी रात जग के बैठे हैं अपने ये अजय जी का रोल प्ले किया संजना ये सब लोगों ने पूरी मेहनत करी और फाइनली अच्छा काम हुआ हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी सी बैल यहाँ बैठी है वो भी उसने पूरा लुक डिज़ाइन किया तो मज़ा आया कैरेक्टर करके अब बाकी हमने अपनी अपना काम किया मेहनत से अब आपके हाथ में है इसको लोगों तक पहुँचाएँ जन जन तक और देखें तो लोग लाइक करेंगे आई होप थैंक यू मैं भी थोड़ी अपनी तारीफ करना चाहता हूँ एक कि इस टीम के साथ मैंने चार सीरीज़ की हैं ऐसा कहते हैं एक एक्टर एक को एक चैनल जब Uh, कोई रोल देता है तो फिर एक गैप के बाद दूसरे में रिपीट करता है तो मैंने एक साथ चार सीरीज़ की हैं जिसमें नितिन सर और विभू सर का बहुत बड़ा हाथ है मैं सबके सामने इनको थैंक यू कहना चाहता हूं कि जब जब मुझसे कहा गया कि आपको वापस लिया जा रहा है तो मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से थैंक यू सर प्रदीप जी हेलो और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये शो विभू सर और निवेदिता मैम के पास आया निवेदिता मैम बालाजी को बालाजी बनाने में बहुत बड़ा योगदान है इनका मेरे ख्याल से पंद्रह बीस साल कुछ वहां रहे होंगे आप पंद्रह साल बहुत होते हैं लाइफ के बालाजी को बालाजी बनाने में बहुत बड़ा योगदान इनका है तो अब हम तो संतुष्ट हैं कि कलवा इनके हाथों में आ गया ये भी बहुत बड़ी खुशी है यहाँ आके आज पता चला मुझे इस बात का प्रदीप जी योर एक्सपीरियंस हेलो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूँगा सर को आ, नितिन सर को राजीव सर को आप सभी को जो मुझे आपने ये अवसर दिया यहाँ बुलाया और आ, मुझे ये रोल दिया ये बहुत ही हालांकि इसको विलन वाला रोल नहीं बोल सकते हैं मैं इनका बड़ा भाई बना हूँ बट आउट ऑफ ज्वेलसी और इश्यूज उसको अंदर ही अंदर ये हो जाता है कि छोटे भाई का बुरा करना है सो दैन ही मेक्स दिस प्लान एंड वो इनकी हेल्प करके कलवा को तैयार करता है ताकि वो इन्हें पनिश कर सके दैट इज़ माई कैरेक्टर तो काफ़ी इमोशनल कैरेक्टर है मेरा जो है अजय का इनका जो भाई बना हूँ क्योंकि ये मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं लेकिन uh, मैं आउट ऑफ ज्वेलसी जो है रिवेंज लेता हूँ और फाइनली जब इनको पता चलता है तो वो एक जो सीन है वो बहुत ही जबरदस्त शूट किया राजीव सर ने मैं इतना ही कहना आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत थैंक यू सो मच अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी क्रिएटर्स एंड वी हैव लाइक जो कि अप्रैल को होने वाला है अतरंगी ओटीडी पे uh, रिक्वेस्ट हाँ, मीडिया बड़ा सहयोग रहा कुणाल का, का सतीश और सिविल तो इन इन ही इतनी ऐसा जंगल था कि एक बार तो सियारों ने हमला कर दिया अभी फोटो तो अभी सीआरों ने हमला कर दिया पूरी टीम पे तो मतलब हाँ। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसूटिंग रात का जंगल तो आपने भी देखा जी थे उस रात जंगल में घना जंगल है So, मुझे लगता है जंगल में आप रात को वैसे भी चले जाओ तो आपको डर लगता है यू आर शूटिंग समथिंग लाइक दिस तो आई एम श्योर एवरीबॉडी एड नहीं सम ऑफ कोर्स नहीं हम लोग की ताकत थी साजी चौधरी थे साथ में तो ये था कि ऐसा कोई कुछ होना तो नहीं चाहिए साथ में फिल्मी तांत्रिक